Good evening, everyone, and welcome to the second trial class for FM September 2022 exam. कल हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन FM से किया था, थोड़ा सा मुझसे किया था, थोड़ा सा हमारे styles of conducting the classes से किया था और chapter number 2 से किया था. So chapter number 2 में हमने ROCE का concept कल पढ़ा था. आज payback is targeted. So I'll bring in front the PP. जस्ट कंफर्म मी अगर आप लोगों को ये दिख रही है तो विजिबल टू एवरीवन. यस मैम, इट्स विजिबल. जी जी. ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 2. हम आज करने वाले हैं पे बैक पीरियड से शुरुआत. सो आई विल शो यू द प्रीवियस स्लाइड. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने कल वाली क्लास में कर लिए थे. Now we are going to go ahead with payback period. Iske advantages, disadvantages ke baad mein payback period. So the question arises, ye payback period kya hai? Ye payback period kya hai? Ye payback period? Hamare time mein is tarah ka ek gana hua karta tha, ye ilu ilu kya hai? Mujhe ekdam wo yaad aa gaya. Okay, anyways. So payback period ab kya hai? Ek project hota hai, usme kuch paisa lagta hai. और कुछ पैसा रिटर्न में मिलता है. सो पेबैक पीरियड इज बेसिकली जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा वो पैसा उसको वापस कितने टाइम में मिल जाएगा, दैट इज पेबैक पीरियड. द प्रोजेक्ट विल पे यू बैक द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड, दैट्स पेबैक. सो सिंपल लेवन टर्म्स में इसको हमें समझना है. नथिंग रॉकेट साइंस इन पेबैक पीरियड. और ना ही एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाता है कि भाई इसको एक्सप्लेन करो. नो, दैट डजंट हैपन. सो यू हैव टू जस्ट टेक्निकली अंडरस्टैंड बिल्कुल लेमैन की तरह कि पेबैक पीरियड मींस द पीरियड विद इन विच द प्रोजेक्ट विल पे यू बैक वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, दैट्स पेबैक पीरियड. अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज क्रिएटेड है टू मेक इट सिंपल. ये ग्रेजुएशन में भी कॉन्सेप्ट था जहां पे सिंपल पेबैक पीरियड और थोड़ा सा टफ हमने तो पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा. सो व्हाट्स पेबैक पीरियड इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूलाज. पेबैक पीरियड अगर एक ऐसे प्रोजेक्ट का हम निकाल रहे हैं जिसके कैश फ्लोज बिल्कुल बराबर आने वाले हैं, यानी हर साल इतना रिटर्न मिलेगा, दैट्स एनुअल कैश फ्लोज विच आर कॉन्स्टेंट. हर साल कॉन्स्टेंट कैश फ्लोज अगर मिलेंगे तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड Divide by what is the annual cash flow. If I simply take this, आपने $1 lakh किसी project में invest किए. Let's suppose you have invested $1 lakh. और question बोलता है हर साल आपको $10,000. Guys, please mute yourself. हर साल आपको 10,000 का inflow होगा. यानी कि मेरा आउटफ्लो कितने टाइम में मेरे पास वापस आ जाएगा, 10 ईयर्स में. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10 साल लगेंगे और मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट वापस मेरे पास आ जाएगा, दैट्स पे बैक पीरियड. ये तो बड़ा सिंपल सिंपल चलता है जब एनुअल कैश फ्लोज बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो. लेकिन अगर एनुअल कैश फ्लोज अलग अलग हो तो, यानी अमाउंट इनका अलग अलग हो तो तब क्या करेंगे. तब के लिए एक और फॉर्मूला डिराइव किया गया है. सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मूला, लेकिन इतना सिंपल ये है नहीं. देखते हैं ये कैसे कैलकुलेशन बताएगा. सो नंबर 1, जब अनइवन कैश फ्लोज होते हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. सबसे पहली चीज, हम कैश फ्लोज को क्यूमुलेट करेंगे. क्यूमुलेट करना मतलब ईयर 1, 2, 3, 4, 5 अगर इसके कैश फ्लो दिए हुए हैं, इनको ऐड करते चलिए, इन दोनों का टोटल, फिर इसमें थर्ड ईयर का टोटल, फिर इसमें फोर्थ ईयर का टोटल, फिर इसमें फिफ्थ ईयर. इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेट करना. यानी कि टोटल 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 में क्या कैश फ्लोज कमा रहा है प्रोजेक्ट, क्या कैश फ्लोज दे रहा है प्रोजेक्ट, दैट इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. अब क्या करेंगे, अब आप डिसाइड करो कि पेबैक पीरियड कहां आएगा. ये डिसाइड कैसे करेंगे, अभी नंबर्स के साथ बताऊंगी. हम यहां पे सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, वरना इसकी एक पिक ले लो. अभी ये फॉर्मूला लगाना सीखेंगे विद नंबर्स, यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लग कैसे रहा है. सिर्फ एक बार इसकी पिक खींच लो.
ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन इसका। अरे फोटो खींच ली क्या? यस मैम, यस मैम। चलो डिसीजन रूल बाद में, फिलहाल क्वेश्चन पे आओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 है, कैपलिन स्टडी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व स्पेंडिंग $1.8 million नाउ। आज आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? $1.8 million। एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट वुड बी $350,000। What is the expected payback period? यानी ये सिंपल केस है, आपको हर साल 3,50,000 मिलते रहेंगे। पैसा लगेगा कितना? 1.8 मिलियन आज लगेगा। यानी सीधा सीधा पहले तो 1.8 मिलियन को पूरे डॉलर्स में कन्वर्ट करो, बिकॉज इनफ्लोज जो है वो पूरे डॉलर्स में है। सो हाउ मच इज 1.8 मिलियन? इज इट 18 लाख? यस मैम। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख डॉलर्स, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बताया। गॉट इट? 18 लाख डॉलर्स का आज इन्वेस्टमेंट होगा, हर साल 3,50,000 आपको मिलेंगे। व्हाट्स द पेबैक पीरियड? सिंपल 3,50,000 डिवाइड बाय 18 लाख करूं या 18 लाख डिवाइड बाय 3,50,000 करूं? न्यूमरेटर में क्या आएगा बेसिकली? 18 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है उसको न्यूमरेटर में लेना है। सो हाउ मेनी इयर्स विल इट गिव मी? 5.14। हाउ मच? 5.14 इयर्स। 14 आगे कुछ आ रहा है? 2.9। यानी कि 5 साल 0.14 years में आपने जितना भी पैसा लगाया वो आप रिकवर कर लेंगे। अब कोई सोचेगा अरे 5.14 years क्या होते हैं, क्या हम इसको महीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस 0.1429 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज दिस? 0.1429 इंटू 12 इज हाउ मच? कितना है? 1.71 ले लूं? 7148 आ रहा है वैसे। 1.71 मंथ्स, और कैन आई टेक 1 month और शुड आई टेक 2 months? 2 months, 2 months। व्हाट इफ ये 1.31 होता तो? 1 month, then 1 month। तब भी 2 months। पूछो क्यों? यू 1 month में आपका पे बैक नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन 2 महीनों में पक्का हो जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, 1 महीने कुछ दिन लगेंगे, यू आर राइट, लेकिन 1 महीने में तो पे बैक नहीं होगा। सो इफ द क्वेश्चन वॉन्ट्स एन आंसर टू बी इन मंथ्स, then it has to be complete months। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम numbers के हिसाब से round off नहीं कर रहे हैं, हम clearly ये देख रहे हैं कि क्या 1 महीने में payback हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ portion छूट जाएगा, क्योंकि ये 1.71 month था, यानी 0.71 ये तो रह गया, इसलिए better है इसको 2 months पे डालना। In any case, ये 2 months में तो payback करके दे ही देगा। That means what is the payback period? 5 years and 2 months. In any case, you will get the payback of this particular project. But 5 years, 1 month में ये आपको payback नहीं दे पाएगा. Got it? Clear है बात, समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है? So the answer would be payback is 5 years and 2 months. 5 years and 2 months. Is this question clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, अब next वाला करते हैं जो थोड़ा सा इससे complicated होगा। कौन सा complicated? अभी तो हमने वो वाला केस देखा जिसमें cash flows even थे, constant थे। अब cash flows constant नहीं है, तो क्या करेंगे? Formula लगाएंगे। ये जो formula था मैंने आपको बोला था इसकी photo खींच के रखना,
उस फॉर्मूले को सामने ओपन करके रखो. द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू इज कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज. इसको इनफ्लोज में मैं कैलकुलेट करती हूँ, बुक थोड़ा सा अलग करती है. आई कीप द आउटफ्लोज सेपरेट. मैं आउटफ्लो को उसमें नहीं घुसाती, बुक आउटफ्लो को भी घुसा देती है. आई कीप देम सेपरेट. आई टेल यू द रीजन व्हाई. पहले इयर्स पे आते, 1, 2, 3, 4, 5. अब कैश इनफ्लोज पे आते, 300, 500, 600, 800 and 500. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज क्या होंगे? ये तो 300 ही रहेगा. दिस विल बी 300 प्लस 500. यानी अभी तक प्रोजेक्ट ने क्या कमा के दे दिया दो साल में? 300 पिछले साल, 500 इस साल. टोटल प्रोजेक्ट हैज गिवन अस 800 का कैश इनफ्लो. गॉट दैट? क्यूमुलेटिव क्या होता है? बोलो. यस मैम. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगा? ये 800 में निकाल लिया, वरना आप इसको यहां से भी ऐड कर सकते हो. 300 प्लस 500 प्लस 600 बोथ विल वर्क. मैं डायरेक्ट यहां से ऐड कर रही हूं. 800 पहले दो सालों की कमाई, 600 नेक्स्ट ईयर की कमाई. सो दिस इज 1400. लाइकवाइज 1400 प्लस 800 इज हाउ मच? 2200 प्लस 500 इज हाउ मच? 2700. ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो, बिकॉज यू विल हैव टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्रू दिस इलस्ट्रेशन ओनली. जब भी रिवाइज करने बैठोगे यहीं से करना पड़ेगा. और आगे अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सो दैट वेन एवर यू आर जस्ट रिवाइजिंग यू अंडरस्टैंड कि हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट क्यों चूज किया है. आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज है. थोड़ा सा इसको लेमैन की तरह देखते हैं. पहले साल में ये प्रोजेक्ट 300 की कमाई करके देगा, दूसरे साल में 800 की, तीसरे साल में 1400 की, चौथे साल में 2200 की. पेबैक पीरियड क्या होता था? जितना भी मैंने पैसा लगाया वो मुझे रिटर्न चाहिए. दैट्स पेबैक. मैंने कितना लगाया? मैंने 1900 लगाया. सो विच ईयर एम आई गोइंग टू रिकवर दिस? Somewhere between year 3 and 4. Exactly. 3 and 4 के बीच में किसी महीने में 1900 रिकवर हो जाएंगे. कैसे पता चला? 1400 तो हम तीसरे साल तक यहीं पे रिकवर कर चुके, और चौथे साल में 2200 का रिकवरी हुई है. मुझे तो 1900 ही चाहिए थी. That means it will somewhere happen between year 3 and 4. Yes, now got it? ईयर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फॉर्मूला खोलो. फॉर्मूले में कुछ लिखा हुआ था लोअर ईयर करके. सबसे पहली चीज, व्हाट वाज रिटन इन द फॉर्मूला? लोअर ईयर, देन कैश आउटफ्लो. दिस इज कैश आउटफ्लो. देन दिस इज कैश इनफ्लो ऑफ लोअर ईयर. Then cash inflow of upper year minus cash inflow of lower year. अभी जब numbers आएंगे ना तो तुम्हें साफ देखने में समझ में आ जाएगा ये क्या बीमारी है. ये formula सिर्फ मैंने इसलिए create किया है, अगर किसी को exam में nervous होने का trauma हो जाए तो at least formula लगाना उसको आ जाए. So इस formula को apply करते हैं उस पूरे केस में. Lower year is which year? हमने कौन सा वाला साल अभी lower year में लिया है? 3. So this becomes 3. प्लस कैश आउटफ्लो था. हाउ मच इज द कैश आउटफ्लो? 19. माइनस मैंने क्या लिखा हुआ है? कैश इनफ्लो ऑफ लोअर ईयर. लोअर ईयर 1900 में से 1400 ही तो माइनस करोगे, 2200 थोड़ी करोगे. बेसिकली लॉजिक ये है, 1900 में से 1400 रिकवर हो गया, बाकी बचा हुआ 500 रिकवर करना रह गया. किसमें से रिकवर करना रह गया? कैश इनफ्लो ऑफ हायर ईयर यानी कि अपर ईयर माइनस कैश इनफ्लो ऑफ लोअर ईयर में से. ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाई करी है?
2200 माइनस 1400 बेसिकली 800 की कमाई करी है. इस 800 में से 500 कब रिकवर हुए हम वो पता करना चाह रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. 3 इयर्स प्लस 500 अपॉन 800. आउट ऑफ 800 500 की रिकवरी मुझे पता करनी है कि वो फ्रैक्शन क्या है. क्या फ्रैक्शन आ रहा है? व्हाट इज दिस? क्या है? 3.625. ये 3.625 इयर्स क्या होते हैं? 4 इयर्स. हाँ, 4 इयर्स. नो 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 बच्चे, वन ऑप्शन इज 3.625 इयर्स. अगर मैं बोलूं इसको महीनों में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 0.625 कितना आ रहा है? 8 months. So the answer comes as payback period कितना आया? 3 years 8 months and 8 months. यानी कि अब हम किसी भी लेमैन को भी बोलेंगे ना, जी ये प्रोजेक्ट है, $1900 का कैश आउटफ्लो है, 3 साल 8 महीने में आपका लगाया हुआ पैसा रिकवर हो जाएगा. Now got the idea of payback period? ये क्या बीमारी है बोलो, समझ आती है? Yes, ma'am. अच्छा, अब जब जी समझ में आती है मेरी एक बात का जवाब देना. मैं आपको ऑप्शन देती हूं दो प्रोजेक्ट्स का. नाउ बिकम अ फाइनेंस मैनेजर. एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट ए का पेबैक है 5 इयर्स का और प्रोजेक्ट बी का पेबैक है 8 इयर्स का. आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे? ए. क्यों? क्योंकि मैम वो जल्दी रिटर्न देगा. मतलब सिंपल कॉमन सेंस ये है, आपको पूरी एफएम एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखनी है. आपका रिटर्न जल्दी आ जाएगा भाई. एनी ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज प्रेफर मनी कमिंग इन अर्ली. यूजुअली ऐसा नहीं होता कि इंसान बहुत देर से पैसा रिसीव करना प्रेफर करे, अंटिल एंड अनलेस उस सेकेंड वाले ऑप्शन का रिटर्न बेटर ना हो. वरना उसकी कोशिश यही रहेगी कि पैसा जल्द से जल्द आए. इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ एनी इन्वेस्टर. इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस. अब इस पे आ गया, थ्योरी भी पढ़ेंगे इसके. एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी होती है ये. यानी कि हर इन्वेस्टर जो होता है वो लिक्विडिटी पसंद करता है, जल्द से जल्द कैश में पैसा आ जाए. एवरी इन्वेस्टर डज दैट. हर इन्वेस्टर में से 100% लोग ऐसे नहीं होते जो FD में पैसा फंसाते हैं. बहुत लोग अपने बैंक्स में भी पैसा रखना पसंद करते हैं. नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय लैंड, नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय फ्लैट्स और हाउसेज और फार्म हाउसेज और कार्स. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने एक्स्ट्रा पैसे को कैश में या बैंक बैलेंस रखना पसंद करते हैं. लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है मुसीबत के लिए, इमरजेंसी के लिए. सो प्रोजेक्ट्स के केस में भी सिंपल फंडा यही चलता है. जिस भी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम होगा वही प्रोजेक्ट चूज किया जाएगा. दैट्स द डिसीजन रूल. तो अभी जो मैं आपको फटाफट से काप गई थी कि डिसीजन रूल बाद में देखेंगे, वो डिसीजन रूल यही है. फास्टेस्ट पेबैक प्रोजेक्ट इज ऑलवेज चूजन. यानी पेबैक जिसका भी सबसे जल्दी होगा उस प्रोजेक्ट को हम चूज करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए बताइए. यस मैम. मैम अभी ये फॉर्मूला ताकि वो एटलीस्ट मैथ्स में ना फंसे. आप अगर बिना इसके कर सकते हैं दैट्स एब्सोल्युटली ओके. ये सिर्फ सहूलियत के लिए किया गया है कि जिनको अगर लॉजिक लगाना पसंद नहीं है, बिकॉज दे मे नॉट बी हैविंग मैथ्स, मैथ्स सबको पसंद भी नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालो, आगे बढ़ो. ठीक है? ऑलराइट, चलिए. ओके, सो ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद अब आते हैं कुछ फायदे नुकसान पे बैक पीरियड के. क्या लगता है आप लोगों को पे बैक पीरियड का क्या फायदा है? बताओ, अनम्यूट करो, बोलो क्या फायदा दिखा आपको. आपने कैलकुलेशन की, what advantage did you see?
इजी टू अंडरस्टैंड पता लग जाता है कि हमारा पैसा कितना बिल्कुल बिल्कुल सो नंबर वन इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू कैलकुलेट दूसरा ये उन केसेस में बहुत काम का होता है जिसमें टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी बदलती है यानी अपने को ये क्लैरिटी सीधी दिखती है कि भैया टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है जिसका भी पे बैक पीरियड जल्दी आ रहा है उसको चूज करो जिसका पे बैक पीरियड बाद में है जैसे आईफोन हर 6 महीने में हर साल एक नया आईफोन का वर्जन अवेलेबल होता है यानी ऐसे केस में ये टेक्नोलॉजी वो हो गई जो जल्दी पे बैक करे तो बेटर है इसलिए आईफोन्स बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी लाइफ शेल लाइफ बहुत कम है इसलिए इनको महंगा रख के इनका पे बैक जल्दी करवाया जाता है साल भर बाद में वो काम के ही नहीं रहेंगे जो धीरे 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 चलने वाली चीजें वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं रखी जाती क्योंकि उनका रिटर्न आने के लिए बहुत लंबा पीरियड अवेलेबल होता है सो पे बैक पीरियड स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट्स में यूज होता है जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है देन नेक्स्ट वहां पे यूजफुल होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट कंडीशंस ठीक होने की उम्मीद होती है मतलब ऐसा आज मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूं एक 3 साल के किसी भी बॉन्ड में या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में मुझे 3 साल बाद में पैसा चाहिए क्यों बिकॉज आई एम सीइंग कि 3 साल बाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होंगी यानी ऐसे केस में मुझे रिटर्न ROC IRR NPV ये सब नहीं देखना मुझे पे बैक पीरियड देखना है कि मेरा पैसा जल्द से जल्द मुझे कब मिल जाएगा यानी जहां पे इन्वेस्टमेंट कंडीशंस इंप्रूव करने की एक्सपेक्टेशन होती है वहां पे बैक पीरियड देखता है इन्वेस्टर कितनी जल्दी पैसा आएगा देन इट गिव्स अ क्विक रिटर्न मतलब आपके पास आपकी रिकवरी जल्दी आ जाती है अगर आप इस मेथड को यूज करके कोई प्रोजेक्ट चूज करते हैं उससे कंपनी ग्रो कर सकती है लिक्विडिटी मेंटेन कर सकती है लिक्विडिटी इज बेसिकली कैश वो सारी चीजें मेंटेन कर सकती है क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स वही चूज करेगी जिसका पेबैक अच्छा हो एंड लास्ट इसमें कैश फ्लोज यूज होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स किस में यूज होते हैं सुमन कल किया था हमने मेथड ROC करेक्ट करेक्ट किसी ने एक आंसर दिया है अनिकेत ने लिखा है रिस्क मिनिमाइजेशन यस अनिकेत एब्सोल्युटली रिस्क कैसे मिनिमाइज होता है आप जब एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसका पे बैक जल्दी है आपने अपने आप ही रिस्क मिनिमाइज कर लिया एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो 10 साल में जाके रिजल्ट देगा एक प्रोजेक्ट है जो 3 साल में रिजल्ट लाके दे देगा रिस्क कम हुआ ना 3 साल तो फटाफट आ जाएगा सो रिस्क मिनिमाइजेशन बिल्कुल वैलिड पॉइंट है लेकिन इसके कोई चैलेंजेस लगे आपको हाउ कैन देयर बी समथिंग विच हैज गॉट ऑल एडवांटेजेस एंड नो लिमिटेशंस ऐसा तो दुनिया में ही कुछ भी नहीं है यानी कुछ लिमिटेशंस तो होंगे क्या लिमिटेशंस लगे आपको इसमें एनी आइडिया इसमें खाली यही पता लग रहा है कि हमें कब पैसे वापस मिलेंगे रिटर्न वगैरह नहीं पता लग रहा एग्जैक्टली पे बैक पीरियड तो पता चल रहा है उस पे बैक पीरियड के बाद क्या पे बैक पीरियड के बाद के रिटर्न की तो इसमें बात ही नहीं होती ये मेथड बोलता है पैसा जितना लगाया वो कब वापस मिल जाएगा अरे उसके बाद में रिटर्न कब तक मिलेगा ये तो ये बात ही नहीं करता जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का प्रोजेक्ट ए और बी मैंने अभी क्या लाइफ रखी थी प्रोजेक्ट ए की लेट सपोज पेबैक है 5 इयर्स का और प्रोजेक्ट बी का पेबैक है 8 इयर्स का आप लोगों ने बोला ए चूज करेंगे अब अगर ए की मैं थोड़ी सी और डिटेल में जाऊं ये प्रोजेक्ट आगे और 3 साल चलेगा यानी इस प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ है 8 इयर्स इससे जितने भी रिटर्न आने हैं वो 8 साल तक ही आने हैं लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल लाइफ है 20 इयर्स यानी 8 साल में जाके इसका पे बैक होगा उसके बाद 12 साल तक ये रिटर्न देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा अब बताओ कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे बी बदल गया डिसीजन दैट मींस इट्स वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि पे बैक पीरियड के बियॉन्ड क्या हो रहा है ये तो चलो मैंने 8 साल ले लिया व्हाट इफ मैं बोलती कि 5 साल का पेबैक है 6 साल की इसकी लाइफ है यानी उसके बाद में रिटर्न 1 साल और आएगा बस फिर खत्म है ये प्रोजेक्ट देन इट मेक्स नो यूज इट हैज नो सेंस ऑफ चूजिंग इट
यानी सिर्फ पे बैक पीरियड सफिशियंट नहीं है, उसके बियॉन्ड भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, जो प्रॉब्लम आरओसी में थी कि ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करता, वो ही पे बैक पीरियड के साथ भी है। ये भी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करता। प्रेजेंट वैल्यू का फंडा भी समझेंगे, लेकिन बेसिक चैलेंज ये है, एक पैसा आज मिलेगा वर्सेस एक पैसा 10 साल बाद मिलेगा, दोनों बराबर थोड़ी है। ये उस प्रेजेंट वैल्यू को, उस वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करता, ये भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट, अभी जैसा आप लोगों ने बोला, ये प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करता, पैसा कब रिकवर हो गया दैट्स फाइन, कि प्रॉफिटेबल है नहीं है, कंपनी को इससे फायदा होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, जीरो, निल बटा सन्नाटा, नो इंफॉर्मेशन, दैट्स अ प्रॉब्लम। और लास्ट, इससे कोई डेफिनेट इन्वेस्टमेंट सिग्नल नहीं आता। जैसे आरओसी में हम बड़ी आसानी से डिसाइड कर देते हैं, भैया हमारी एक्सपेक्टेशन है 15% रिटर्न की, अगर कोई प्रोजेक्ट है 20% रिटर्न दे रहा है, वेरी गुड, ले लो, एक्सेप्ट कर दो। पे बैक पीरियड तो ऐसा कुछ बताता ही नहीं है, यानी आपको इसको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए दो कंपेयर करने पड़ेंगे, तब जाके पे बैक पीरियड यूज होगा। अगर मैं एक ही प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रही हूं तो उसके पे बैक को किससे कंपेयर करूं, मेरे पास डिसीजन आएगा ही नहीं इफ इट इज अ सिंगल प्रोजेक्ट। यानी यहां से डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल नहीं आता, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब ये इतनी डिटेल में मैं प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्यों डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि ये आपके ट्रू फॉल्स बन के दो दो मार्क्स के आते हैं, इसलिए आपको ये स्लाइड्स में भी मिलेंगे, सो दैट यू हैव अ रैपिड नोट ऑफ ऑल दीज, एक क्विक रिविजन करने के लिए। एक बार स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में जब नेक्स्ट विजिट आप करेंगे उस चैप्टर की तरफ, सिर्फ नोट्स देख के आपको सब याददाश्त वापस आ जाएगी कि हमने क्या बात की थी। और सेक्शन ए और बी, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे हैं। अच्छा, एफएम की एक खास बात बताती हूँ, एफएम के पेपर में जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, वो कुछ अलग पैटर्न के होते हैं। ये अलग पैटर्न क्या होता है, यूजुअली एफआर में, पीएम में आप देखेंगे कि सेक्शन बी के क्वेश्चन में जो 5 पार्ट्स होते हैं, इसमें से 3 प्रैक्टिकल होते हैं, 2 थ्योरी के होते हैं। यहां पे उल्टा है, मतलब एफएम में 3 थ्योरी के होते हैं और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। इसी वजह से एफएम का पेपर अप्रोक्सीमेटली 35-45 मार्क्स का थ्योरी का आता है, और वो थ्योरी यही होती है, इसी तरह की जो प्रैक्टिकली फिट होती हो। तो जब तक आपको ये प्रैक्टिकलिटी समझ में नहीं आएगी, आप उस थ्योरी को डील कर नहीं पाएंगे, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। पेबैक पीरियड सबको समझ में आता है? Yes, बताओ। बट एक डाउट था, ये जो पेबैक पीरियड के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ये पहले से ही इन्वेस्टमेंट के पहले से ही कैसे डिसाइड होता है कि उसका एनुअल रिटर्न कांस्टेंट होगा या फिर अलग अलग होगा? शांतनु, ये क्या होता है कि अंदाजा लग जाता है कि हम किस तरह के इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछूं, आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको कैसे पता कि ये क्या एवरेज देगी? वही बताते हैं, मार्केट नॉलेज। उनको कैसे पता? क्योंकि उनको मशीनरी का पता है, एक्सपीरियंस। ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो इस तरह के फ्यूचर के बारे में, इनफ्लोस के बारे में बात करते हैं, दे गेट दिस नॉलेज थ्रू द मार्केट और थ्रू मार्केट रिसर्च। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछूं, आज अगर कैडबरीज एक नया वेरिएंट लॉन्च करती है तो क्या बोलते हो, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? हो ही जाएगा, हो जाएगा। कैसे पता चला आपको? मार्केट कॉन्फिडेंस। बस हाँ, अब आप बोलो कि मैम अमाउंट्स कैसे पता चलेंगे, तो जब आप एफएम कर लेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि इनके बाकी प्रोडक्ट्स की जो बैलेंस शीट में रेवेन्यू अमाउंट्स दिख रहे होंगे उससे पता चल जाएगा। दूसरा, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक कस्टमर रिव्यू होता है, एक मार्केट रिसर्च होती है, लोगों को क्या पसंद है, व्हाई सडनली दिस हैपेंड। मतलब जब मैं चॉकलेट्स खाती थी, जब मैं कभी जवान थी, चॉकलेट सिंपल आया करती थी, अब आप दिवाली के टाइम उनका एक नया रूप देखते हो, राखी के टाइम, रक्षाबंधन पे उनका एक नया रूप होता है। व्हाई दिस इज इवॉल्विंग ऑन डे टू डे बेसिस? बिकॉज द मार्केट वॉन्ट्स दिस।
आपने शायद मतलब आई डोंट नो आप लोगों ने कितना ध्यान रखा, बट कोरोना जब से चालू हुआ आई हैव एक्चुअली सीन दैट लोगों ने हल्दीराम्स के पैक्ड मिठाइयां मंगाना ज्यादा चालू कर दिया राधा देन जो हम आसपास के जो लोकल वेंडर्स हुआ करते थे. ये जो गली गली में बीकानेर वाला है, बीकानेर मिष्ठान भंडार है, वहां से लोगों ने कम कर दिया एंड पीपल स्टार्टेड ऑर्डरिंग हल्दीराम्स के पैक्ड टिन वाले रसगुल्ले. ये मार्केट बताता है. अमूल, अमूल ने अब एडवर्टीजमेंट चालू किया है. अमूल इज लॉन्चिंग अ ब्रेड ऑल्सो. वो पहले एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उनको पता लगेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है. तीन साल पहले तक आई एम इन गुड़गांव, तीन साल पहले तक अमूल के आइसक्रीम के ठेले नहीं होते थे और अब आइसक्रीम वेंडर्स अमूल के एक ही रोड पे आपको 7 से 8 दिखते हैं. तो कई चीजें इनकी टीम्स रिसर्च भी करती है, वो पता लगाती है कि लोगों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस चीज में. एंड आई ऑलवेज से दिस, बिजनेस क्या होता है, लोगों की परेशानी को मीट करो, आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे. कोई भी आइडिया उठा लो, चाहे पेटीएम ले लो, चाहे नायका फैशंस ले लो, चाहे कुछ भी उठा लो. दीज पीपल हैव हिट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. बायजूस, क्या किया बायजूस ने कोरोना के टाइम पे, धमाधम रेवेन्यू गया है इनका, धमाधम. और अब जब फेस टू फेस क्लासेस चालू हो गई है, देयर रेवेन्यू इज गोइंग डाउन. अनअकैडमी इज लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज लाइक एनीथिंग. तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको मार्केट देख के समझ में आएंगे. इसको बोलते हैं बिजनेस अक्यूमन, कमर्शियल अक्यूमन. तो अगर आप में से कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जस्ट रिमेंबर वन ऑफ माई वर्ड्स, मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, बिजनेस वहां से बनेगा. जबरदस्ती की चीज समोसा उनके पास मिलता है, आप एक और समोसा दे दोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. कुछ ऐसा दो जो उनके पास नहीं है और जिसमें वो परेशान हो रहे हैं. जैसे अभी मैं रेनोवेशन से बहुत परेशान हो रही हूँ, कुछ करो यार, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप लो उसमें, कि टीम घुसे भी हमारी मर्जी से, निकले भी हमारी मर्जी से. ठीक है, गॉट इट. मैं अपना एग्जांपल भी दे सकते हो एंटरप्रेन्योर में. मैं अपना भी दे सकती हूँ शांतनु, वो तो मैं समझती हूँ ना. ऑल दो मैंने तो बिजनेस की तरह चालू नहीं किया था, आई विल सीरियसली से दिस, फीमेल्स आर वेरी इमोशनल, तो मैंने तो इमोशनल कॉल ली थी ये कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा. एंड फीमेल्स आर नॉट द मेन अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो, तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्या हो जाता ज्यादा से ज्यादा, वापस आ जाती फ्रीलांसिंग पे, उससे ज्यादा क्या होता. डिसएडवांटेजेस हाईलाइट कर दिए किसी ने. चलिए एनीवेज, लेट्स मूव अहेड. अब आप लोगों का टेस्ट चालू होता है. चलो फटाफट चैट बॉक्स पे उंगलियां लगा के बैठ जाओ. आप लोग बोलेंगे नहीं और मुझे डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे. एवरीवन को मार्क मत करना, वरना लोग मेजॉरिटी के हिसाब से चले जाते हैं. दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, योर टेस्ट. सो द क्वेश्चन कम्स हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेलेवेंट कैश फ्लो टू बी कंसिडर्ड इन एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. ए, मार्केट रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड, बोलना मत. बी, एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेटेड. सी, सेंट्रली एलोकेटेड ओवरहेड्स दैट आर नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट. डी, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन. आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे मार्क करेंगे, सबको मार्क नहीं करेंगे. गुड. बस सबने आंसर कर दिया, परफेक्ट. ओके, स्टॉप, टाइम्स अप. द आंसर इज बी. एक दो लोगों ने डी लिखा. आपका पॉइंट ठीक है, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन रेलेवेंट तो है लेकिन कैश फ्लो नहीं है. इन्होंने पूछा रेलेवेंट कैश फ्लो. याद है कैश फ्लो के क्या डेफिनेशंस थी या रेलेवेंट कैश फ्लो की क्या तीन पॉइंट्स थे? वन, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. तो ये तो संक कॉस्ट है, जो फ्यूचर में इनकर हो हमें वही देखना है. दूसरा, वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए, मतलब कि अगर एग्जिस्टिंग कोई खर्चा है प्रोजेक्ट लेने के बाद भी वो ऐसा कैसा ही होगा तो इंक्रीमेंटल का है, वो तो अभी भी हो रहा है और बाद में भी होगा.
और तीसरा उसमें कैश इन्वॉल्व होना चाहिए. टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन में कैश नहीं होता, तो ऑप्शन बचा क्या? आंसर इज बी. क्लियर? क्लियर? यस मैम. चलिए और ये दूसरा सवाल आता है आपके स्क्रीन पे अभी. बहुत लंबा यार, चलो फटाफट करते हैं. Garfield Co. is considering whether to enter into a new project. The machinery which would be used to produce the goods for the contract was purchased 7 years ago at a cost of $80,000 with an estimated life of 10 years. 10 साल की इसकी लाइफ थी. आपने 7 साल पहले इसको खरीदा था. Depreciation आप SLM पे लगा रहे. The machinery has been idle for some time and if not used on this contract would be scrapped. And sold immediately for an estimated $5,000. After use on this contract, the machinery would have no value and would have to be dismantled and disposed of at a cost of $1,500. मतलब यहाँ क्या हो रहा है? 7 साल पहले आपने एक मशीनरी खरीदी थी. मशीनरी है ना, मशीनरी खरीदी थी. उसकी लाइफ है 10 years. यानी आप उसको 7 साल यूज कर चुके हैं. SLM पे उस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं. अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप एक नए प्रोजेक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं जिसमें ये वाली मशीनरी काम आ जाएगी. अगर आपने इस प्रोजेक्ट में इस मशीनरी को काम नहीं लिया तो ये आज के आज ही आप बेच देंगे. कितना अमाउंट मिलेगा बेचने पे? $5,000. लेकिन अगर आपने इस मशीनरी को इस प्रोजेक्ट में काम लिया, 3 साल तक ये काम तो आ जाएगी लेकिन उसके बाद में इसकी वैल्यू कुछ नहीं बचेगी. उल्टा इसको कबाड़ी को और देना पड़ेगा एंड कबाड़ी विल चार्ज $1,500. यानी इसको हटाने का, इसको स्क्रैप कराने का पैसा जेब से जाएगा. मिलना तो दूर की बात है. लेट्स सी द क्वेश्चन. इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब मशीन की क्या कॉस्ट जोड़े नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए. रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन बताओ. 3500, 5000, 6500 या 24500. ओके 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 ओके. लोग धमाधम धमाधम आंसर कर रहे हैं. और ओके गजब यार गजब. कोई बात नहीं गिरीश, अभी समझाऊंगी. दैट्स ओके. ओके टाइम्स अप. आप में से मेजॉरिटी लोगों ने जिन्होंने आंसर 6500 दिया, दैट्स द करेक्ट आंसर. कैसे? थोड़ा सा इसकी भूमिका समझना. बिल्कुल नॉलेज, कोई पीछे से चैप्टर की नॉलेज नहीं चाहिए. सिंपल कॉमन सेंस से समझते हैं. आपके पास एक मशीन है, आप 7 साल पहले उसको $80,000 की खरीदते हैं. इसकी लाइफ है 10 years. आज 7 साल हो गए इसको यूज करते हुए. अब सवाल ये है, इसको आज ही बेच दें, अगर इसको यहीं पे सेल आउट कर देंगे तो आपको मिलेंगे $5,000. लेकिन अगर आपने इसको 3 साल यूज किया तो उल्टा पैसे देने पड़ेंगे $1,500. यानी इसको स्क्रैप करने के पैसे लगेंगे. इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इस मशीन को ले जाने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो ध्यान से समझना. कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है और जो जेब से जाएगी वो कॉस्ट भी होती है. अगर आपने इस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट में काम ले लिया तो क्या ये 1500 नहीं लगेंगे? पहले तो इस पे हाँ या ना बताओ. ये 1500 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे. देने पड़ेंगे. तो क्लियरली $1500 तो मेरी कॉस्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. मशीन को आई एम टेकिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट में इसको ले लिया, 3 साल बाद में मुझे इसको पैसे दे के स्क्रैप कराना पड़ेगा. यानी 1500 तो कॉस्ट इस मशीन पे आएगी. अब आती हूं मैं 5000 पे. आज अगर इस मशीन को बेच देते तो $5,000 मिल जाते. एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का कॉन्सेप्ट था, क्या वो लगा सकते हैं यहां पे? अगर आपने आज इस मशीनरी को बेचने की बजाय इस कॉन्ट्रैक्ट में इस प्रोजेक्ट में काम ले लिया तो ये मशीन नहीं बिकेगी आज. यानी जो $5,000 कमाए जा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे आप. सो देर आर टू कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड. वन,
5000 जो आप कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे, दूसरा 1500 जो खर्चा जेब से जाएगा, यानी ये दो नुकसान होने वाले हैं मुझे, 6500 का टोटल नुकसान, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ टेकिंग दिस मशीनरी इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रोजेक्ट इज 6500। क्या ये बात सबको समझ आई? गिरीश अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी कोई डाउट बताओ। आई विल टेक इट एज अ नो मैम देन, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब एग्जाम किट का क्वेश्चन है, आप लोग ही करेंगे, बहुत इजी सा है, करो चालू। पीच कोज लेटेस्ट रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आर एज फॉलोज। इक्विटी आपको दी हुई है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है। क्या हम नॉर्मल तरीके से आरओसी निकाल सकते हैं? सिंपल तरीके से, इधर उधर कोई ज्यादा फॉर्मूले फॉर्मूले नहीं, सिंपल कॉमन सेंस से आरओसी निकाल के दे सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरओसी? पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बस, जो भी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, जिससे बिजनेस चल रहा है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल लगाने वाले दो लोग होते हैं, एक होते मालिक, दूसरे होते डेट होल्डर्स, उन्होंने भी पैसा लगाया है, उनको मत भूल जाना। तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, दीज टू आर द कैपिटल प्रोवाइडर्स फॉर अ कंपनी। क्या आएगा? पीबीआईटी क्या लेंगे हम? व्हाट इज पीबीआईटी? 2500। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? 12,500। परफेक्ट, 10,000 प्लस 2500, इसको परसेंटेज में लेना बेटर होता है, क्वेश्चन ने भी पूछा है परसेंटेज में, इनटू 100 कर दो, व्हाट विल बी द आंसर? 20%। सबका 20 20 20 20, ये पूरा 20 आ रहा है ना, 20%, आप इसमें पंच करेंगे सिर्फ 20, अगर एग्जाम में परसेंट डाल देंगे अपने आप जीरो आ जाएगा। इट्स ओनली 20 विच यू हैव टू पंच, करेक्ट, 20। ये एग्जाम किट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ $65,000। द मशीनरी इज यूज्ड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 4 years, जनरेटिंग इनफ्लोज ऑफ 20,000 पर ईयर। इट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर $10,000। टैक्सेशन इज एट द रेट 30%। कैलकुलेट द इनिशियल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द प्रोजेक्ट टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज। आरओसी पूछिए, कैलकुलेट करो, चैट बॉक्स में लिखो। देम आस्क द आरओसी। ध्यान रखना, यहां कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, और आरओसी के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है। कैलकुलेट प्रॉफिट, कैश फ्लोज से प्रॉफिट कैसे जाएगा? क्या हो गया, सब सुट्ट कैसे हो गए? सुट्ट, कैश इनफ्लोज आपको दिए हुए हैं, आरओसी के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज का डिफरेंस मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। हाउ मच विल बी द डेप्रिसिएशन? 65,000 की मशीनरी है जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 की, व्हाट इज द लाइफ? 4 years। हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन बताओ? 55 डिवाइड बाय 4, 13,750। बता दो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 6,250 पर ईयर का प्रॉफिट, 6,250, यानी आरओसी के लिए प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है ये एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है इनिशियल, यानी 65 लेनी है, एवरेज नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, इनिशियल वाली जो शुरू शुरू में लगेगी वो वाली लेनी है।
कितनी ले लूं? 6250 डिवाइड बाय 65,000 इनटू 100, बता दो जी कितना आ रहा है। जिन्होंने भी इनिशियल वर्ड रीड नहीं किया होगा उन्होंने इसका एवरेज निकाल दिया होगा 65 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करके, याद है कल एवरेज वाला पढ़ा था? यस मैम, यस मैम। भारत आपका 9.61 क्यों आ रहा है? भक्ति का भी 9.61 आ रहा है, किसी का 9.6 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, 9.61 ही आ रहा है क्या? अच्छा नाइन पॉइंट सिक्स वन परसेंट। तो क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, नियरेस्ट होल परसेंटेज पे ले जाओ यानी पूरी पे, तो पूरी क्या होगी? 10% होगी। यहां पे आपको सीधा सीधा पीछे वाला भी ले जाना हो सकता है क्योंकि वो होल परसेंटेज को राउंड ऑफ करने की बात कर रहा है, ये कोई पे बैक पीरियड नहीं है जो पूरा का पूरा नेक्स्ट पे होगा। यहां पे आप इसको अगर 9.2 होता तो आप 9% ले सकते थे, क्लियर है? यहां पे हम ले लेंगे 10%। एम आई क्लियर ऑन दिस मैम? बट इनिशियल रिटर्न के लिए हम एवरेज क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उन्होंने बोला है बच्चा इनिशियल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है वो इनिशियल वाली लेनी है, उन्होंने चल के बोला है। आप एवरेज से लेंगे वो मार्क्स नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये एमसीक्यू तो नहीं है, बेसिकली आपको पंचिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। यस मैम, यस मैम। वन एंड अ हाफ ट्रायल क्लास एंड वन चैप्टर इज ओवर। बताओ ये मेरा टैलेंट है और कुछ तुम्हारा टैलेंट है? अभी समझ में आया नहीं आया वो नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा मुझे कितने लोगों को समझ में आया। अच्छा अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वी टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद मैं आगे छोटा सा कॉन्सेप्ट कराऊंगी। आज बहुत ज्यादा चीज नहीं कराऊंगी बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस कि बिफोर यू ऑल फाइनलाइजिंग कि आपको मुझसे पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, मैं धमाधम खींचती जाऊं और उसके बाद में एक छोटा सा Q&A सेशन रखेंगे। सो आधा घंटा तो पढ़ेंगे, अभी 10 मिनट्स ब्रेक ले आओ, 6:30 पे एग्जैक्ट विल कैच बैक। ओके, अरे ओके मैम। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थ्री। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा ऊपर की स्टार्टिंग करा देती हूँ ताकि हम एटलीस्ट आधा घंटा और पढ़ लें। यू डू नॉट वेस्ट योर संडे। वैसे मैं बहुत बदनाम हूं क्लासेस ना छोड़ने के लिए। सो लेट्स गेट बैक टू चैप्टर नंबर थ्री। दिख रहा है सामने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विद डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टेक्निक्स के नाम से ये चैप्टर है। yes, ma'am. दिख रहा है? चलिए लेट्स बिगिन दिस। अब क्या है, चैप्टर नंबर थ्री बात करेगा डिस्काउंटिंग की, मतलब कि चैप्टर नंबर टू में हमने वो वाले मेथड्स देखे जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में नहीं आ रहा था, मतलब वो तो हर चीज को बराबर मान रहे थे, आप पैसा आज रिसीव करें या 5 साल बाद रिसीव करें इट वॉज ओके फॉर देम। लेकिन चैप्टर नंबर थ्री बोलता है इट्स नॉट ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये सिंपल फंडा वास्तव में भी काम करता है, हमें आज कोई पैसा मिले वर्सेस 10 साल बाद मिले, हमारी प्रेफरेंस यूजुअली होती है आज के ऊपर, यानी आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है, 10 साल बाद के पैसे की वैल्यू कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। इसलिए कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग करना जरूरी हो जाता है। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? बेसिकली तीन चीजें, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग क्या होती है और डिस्काउंटिंग क्या होती है। क्लास 8th में हम करते थे कंपाउंडिंग, अब हम करेंगे डिस्काउंटिंग। और ये जो मेथड्स है एनपीवी और आईआरआर ये इसी पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं। पैसे की वैल्यू हमने तो सुना था बढ़ती है लेकिन असलियत में घटती है, वो गिरती है। कैसे गिरती है? पार्ले जी का पैकेट बहुत साल पहले 5 रुपए का आता था, अच्छा बड़ा साइज का, फिर वो 8 रुपए का हुआ, फिर वो 10 रुपए का हो गया और अब 10 रुपए में साइज छोटा हो गया। दैट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब
हमारे पास जो भी पैसा है उसकी आज वर्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू उसी पैसे की 10 साल बाद। हम आज 100 रुपए में जो चीज खरीदते हैं वो 10 साल बाद में उस 100 रुपए से नहीं खरीदी जाएगी, यानी उस 100 रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। दैट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसलिए इन प्रोजेक्ट्स में बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स सालों साल चलते हैं, बहुत लंबे लंबे पीरियड के लिए चलते हैं। कोई प्रोजेक्ट 10 साल का होता है, कोई 20 साल का होता है, यानी आज हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर उसका रिटर्न 20 साल बाद आएगा, मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखना पड़ेगा। फिर आई विल हैव टू सी कि उस पैसे की वर्थ क्या होनी चाहिए, या आज से 20 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। आज मैंने जितना इन्वेस्ट किया है यही का यही नहीं मिलना चाहिए, आई शुड गेट समथिंग मोर। व्हाई? क्योंकि आज के पैसे से मैं जो खरीद सकती हूं 20 साल बाद में या 10 साल बाद में मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिएंगे उसी सामान को खरीदने के लिए जो आज मेरे वाले पैसे से आ सकता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का। आई वॉज सरप्राइज टू नो अ लॉट ऑफ सी ए स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी छोटी सी चीज है पर कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन इस चीज का क्रिएटेड रहता है। अब ये क्या है ध्यान से समझना। क्लास 8th में आप करते थे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब आप आज एक अमाउंट बैंक में डालते हैं, उस पे ब्याज मिलता है। अब आपको ब्याज 110 पे मिलता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आप आज कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इंटरेस्ट अर्न करे, फिर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट, मिलते 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 वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। तो हम जो क्लास 8th में पढ़ा करते थे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये है कंपाउंडिंग। लेकिन डिस्काउंटिंग होती है पीछे लेके आना, यानी कंपाउंडिंग में हम आज से फ्यूचर में जाते हैं, हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं, यानी आज के पैसे को हम फ्यूचर में लेके जाते हैं। लेकिन डिस्काउंटिंग में हम उल्टा आते हैं। कैसे उल्टा आते हैं? आज है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। फ्यूचर में कोई अमाउंट मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। बार बार अब हमें डिस्काउंटिंग करनी होगी, क्योंकि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन पे जो रिटर्न आएगा वो फ्यूचर डेट पे आएगा। तो जो फ्यूचर डेट पे आएगा उसकी आज कितनी वर्थ है, वो डिस्काउंटिंग होती है। तो डिस्काउंटिंग के लिए जस्ट आपको एक ही चीज बोलूंगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना इज डिस्काउंटिंग। जो कंपाउंडिंग है वो तो ये वाला फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वॉज जस्ट दैट बुक ने दिया हुआ था इसलिए मैंने डाला है। अदरवाइज हम सीधा सीधा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाते जाएंगे और उससे फ्यूचर का अमाउंट रिसीव कर लेंगे, दिस विल बी मोर। लेकिन डिस्काउंटिंग में अमाउंट हो जाएगा कम, उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। डिस्काउंटिंग भी यूज होगी और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी काम आ जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है? आप आज कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और कैश आउटफ्लो से माइनस कर देंगे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में इसके रिजल्ट्स पे जाएंगे, डिसीजन रूल पे बाद में जाएंगे, पहले आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 पे, फिर वापस पीछे लेके चलूंगी आपको। द कैश फ्लोज ऑफ अ प्रोजेक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। $25,000 का आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, आई टर्म इट एज कैश आउटफ्लो, जो हमेशा ईयर जीरो पे होगा या टाइम जीरो पे होगा। टाइम जीरो मतलब आज, अभी, प्रेजेंट टाइम, दैट्स टाइम जीरो। कैश आउटफ्लो कितना करेंगे हम? 25,000 का करेंगे। जब ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा कुछ इनफ्लोज आएंगे। इनफ्लोज कितने सालों तक दिख रहे हैं? 4 सालों के इनफ्लोज दिख रहे हैं, ईयर 1, 2, 3, 4। क्या क्या इनफ्लोज आएंगे? कैश इनफ्लोज आएंगे 6,000 के, 10,000 के, 8,000 के और 7,000 के। इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 6%। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हम इसको डिस्काउंटिंग करने के काम लेते हैं, यानी हम एक फैक्टर निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल सके।
उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम निकालेंगे 6% के हिसाब से. 6% क्या होगा शांतनु? उस फॉर्मूला से हो सकता है ना 1/1.06. आ रही उस पर आ रही हो. अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लो. सिंपल पंच इन करेंगे 1/1+rate. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? वैसे आपको ये टेबल में भी दिया होता है एग्जाम में, पर फिर भी आपको आदत होनी चाहिए इससे करने की, इससे क्विक हो जाता है. 1+rate. सो बेसिकली 1/1.06 ये करेंगे हम, यानी कि हम 1/1.06 करने वाले हैं. सो 1/1.06 इक्वल टू दबा देना, ये आता है मेरे पास 0.943. चेक करो सबका आ रहा है क्या 0.943. yes, अब दूसरे साल का कैसे निकालेंगे? बस इक्वल टू दबाते जाओ. अब सेकेंड ईयर का आएगा 0.88999 आ रहा है, तो 0.890 कर दूं. 0.890. तीसरे साल का तीसरा इक्वल टू ये आता है 0.8396. 840 कर दूं. और चौथे साल का चौथा इक्वल टू 0.792. ये होते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. इसकी आपको टेबल भी मिलती है एग्जाम में, वरना आपको वैसे आदत हो जानी चाहिए फटाफट कैलकुलेटर से करने की. 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सबसे ज्यादा यूज में आता है, तो उसकी तो मुझे वैल्यूज भी लर्न हो गई है. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. चेक करो कैलकुलेटर पे. 10% बार बार काम आएगा. उसकी वैल्यूज आएंगी पहले साल पे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. 0.621 इसका नेक्स्ट होना चाहिए. 621 या 631? 621 होना चाहिए. चेक करो. ये पिछले 8 सालों में यूज कर करके 10% तो लिटरली लर्न हो गया है. करेक्ट. तुम्हें भी याद हो जाएगा. 5-6 questions में 10% यूज आएगा और ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी. लेकिन ये जो भी आए रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, उस पर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना होता है. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं एक साल बाद जो पैसा आएगा उसकी आज वैल्यू है 0.943. तुम बोलोगे उसकी वैल्यू आज कम है, अरे उसकी आज वैल्यू ज्यादा है. एक साल बाद में अगर आप $1 से कुछ भी खरीदेंगे ना, वो आज $0.9 में आ जाएगा. इन्फ्लेशन कम है. आप 2 साल बाद में $1 से जो चीज खरीदेंगे वो आज $0.89 में आ जाएगी. आज आपके पैसे की, मनी की वैल्यू ज्यादा है. आज आप एक चीज को $0.9 में खरीद सकते हैं, 2 साल बाद में यही चीज के लिए $1 पे करना पड़ेगा. तो अपन इसमें दिमाग नहीं लगाते, सीधा सीधा ये देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करने और उनको मल्टीप्लाई करना है आपके इनफ्लोस से. यानी कि आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है एक साल बाद आने वाले $6,000 की, कर दो कैलकुलेट इनसे. क्या आएगा? 6,000 × 0.943 5658. देन 8900, देन 6720, देन 5544. यानी जो पैसा 4 साल बाद मिलेगा आज उसकी वैल्यू है 5544. देखो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी. आज जो आइटम आप $5,544 का खरीदेंगे वो 4 साल बाद $7,000 खर्च करके मिलेगा. फेयर इनफ. अब इनके टोटल लगा लो. 5544 प्लस 6720 प्लस 8900 प्लस 5658, ये टोटल रिटर्न आने वाली है हमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से. कितना पैसा लगा के? 25,000 लगा के. आज पे हम सारी वैल्यूज को ले आए, यानी कि ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है. नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1822. बात समझ आई? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालते हैं,
उसका टोटल करते हैं, उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं। ईयर जीरो पे जब आप कैश आउटफ्लो कर रहे हैं उस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा वन होता है। आज के टाइम पे $1 की कीमत $1 ही है, ये वैल्यू चेंज होगी एक साल बाद से, साल 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 का जो इन्फ्लेशन लगता है डॉलर की, रुपए की, दिनार की सारी जो करेंसीज है इनकी वैल्यू साल साल के गैप से डिग्रेड, डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट होती है। यहां पे तो महंगाई की वजह से सब कुछ डेप्रिशिएट ही होगा, यानी आज कोई चीज सस्ते में आ जाएगी एक साल बाद उसके लिए पैसा ज्यादा देना होगा। बट नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका यही होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी इसका मतलब फायदे का प्रोजेक्ट है, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नॉट टू बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट काम का नहीं है, आपको नुकसान होगा। और अगर ये जीरो आ जाए तो भी कंपनीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एक ऐसा प्रोजेक्ट क्यों उठाना जिसमें फायदा या नुकसान ही नहीं है, यानी खामखा यूं ही किस लिए भाई, कोई मतलब नहीं है। समझ गए भावनाओं को? हाँ जी मैम। अब आ जाते हैं इस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू के कुछ इन्फ्रेंसेस, यानी कुछ क्या बोलते हैं, कुछ आउटकम्स। पॉजिटिव एनपीवी मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, परफेक्ट है जी ले लो। जीरो एनपीवी मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ ब्रेक इवन कर रहा है तो क्यों, और नेगेटिव एनपीवी मतलब कुछ भी, नेगेटिव वाले को क्यों लेना है जो फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है, इससे अच्छा तो घर बैठ जाओ, मतलब बाहर जाके पैसे और खर्च करके आओगे। डोंट टेक एनी प्रोजेक्ट लाइक दिस। जनरल डिसीजन रूल क्या होता है, हर वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करते हैं जिसकी एनपीवी पॉजिटिव होती है। गॉट इट यस मैम गॉट इट। अब ये लास्ट वाला डिसीजन रूल किस चीज से रिलेटेड है, दो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, नहीं ए और बी पुराने हो गए, एक्स और वाई, देखो मैंने कितना इनोवेटिव नाम रखा है, थोड़ा सा तो जग जाओ। वाह मैम, तो तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी, थकेलापुर नहीं संजय वो अभी मुझे देखनी बाकी है, टाइम नहीं मिल रहा है 2 महीने से। देखो मैं मिर्जापुर तो ले आई तुम्हें, या तो पार्टिसिपेटिव हो जाओ वरना मेरे पास और भी नाम है। ओके सो कालीन भैया एंड मुन्ना भैया आर टू प्रोजेक्ट्स, इसकी भी कालीन भैया की एनपीवी, इनकी भी एनपीवी पॉजिटिव है, लेट सपोज 1 लाख है पॉजिटिव डॉलर्स, और मुन्ना भैया की भी आजकल एनपीवी पॉजिटिव हो रही है। नहीं बुरा मान जाएंगे अभी। ओके $80,000 दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, दोनों में से एक ही लिया जाएगा साहब, या तो कालीन भैया मिर्जापुर के राजा होंगे या फिर मुन्ना भैया, दो राजा नहीं हो सकते एक जगह के, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ये कंपनीज के साथ भी होता है क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते तो प्रोजेक्ट्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट करेंगे तो आप दूसरा नहीं कर पाएंगे, दूसरा करेंगे तो पहला नहीं कर पाएंगे, दैट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पे भी सेम केस है, मिर्जापुर का एक ही राजा होगा, या तो कालीन भैया या फिर मुन्ना भैया। अब आप डिसाइड करो, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, कौन राजा बनेगा? कालीन भैया। ये देखो संजय लिख रहे हैं कि गुड्डू भैया, अरे वो है ही नहीं अभी लाइन में, अभी वो छुप रहे हैं। कालीन भैया, ये आपने कैसे डिसाइड किया? आप किसको चूज करेंगे जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी? तो मुन्ना भैया अभी नए खिलाड़ी है, नेक्स्ट सीजन तक अभी राजा बनने से रुक सकते हैं, लेट कालीन भैया बी द किंग फॉर दिस टाइम एटलीस्ट। ठीक है, कुछ समझ आया? Yes, sir. देखा मतलब सब सब एक्टिव हो गए, मतलब
स्टूडेंट्स विल बी स्टूडेंट्स, एक एक ऐड आता है मेन विल बी मेन, यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी स्टूडेंट्स। इसकी फोटो खींचो, आप इसको होमवर्क में करेंगे। अगर सैटरडे हम मिलेंगे तो आप ये मुझे दिखाएंगे स्क्रीन पे, और नहीं मिलेंगे तो भी कर लेना यार, कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे करने के। फोटो खींचो, इसको होमवर्क में करना, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्यू एंड ए सेशन। ये एनपीवी मेथड यहां पे खत्म होता है, इसके आगे कुछ नहीं, गाड़ी नपूंगी मैं। फिलहाल के लिए आपके जो जो भी डाउट्स हैं, जो जो भी कंफ्यूजन्स हैं, आप वो पूछ सकते हैं, सो दैट वी कैन वाइंड अप द ट्रायल सेशन, एंड आई डू नॉट गो फॉर अ हैवी रेनफॉल इन द ट्रायल्स। मैम एग्जाम किट जून 2021 तक की चलेगी, दौड़ेगी गिरीश, भागेगी, बिल्कुल ले लो। और बोलो एनी अदर क्वेश्चन? हम जून 2022 तक की है, जून 2022 तक की तो मस्त चलेगी यार, मस्त चलेगी, चलेगी चलेगी। और बोलो बस मैम। ओके, आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास विल बी अगेन ऑन सैटरडे, बट यस, बिकॉज इट सीम्स लाइक एफएम की स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है, योर क्लास विल बी इन द मॉर्निंग, नॉट इन द इवनिंग। So morning time will be 10 to 1. Alright. Okay. भारत से एक दूसरा क्वेश्चन पूछना था। शांतनु one second. भारत खनेजा, it's भारत और भरत? मैम it's भरत. भरत. Okay. So भरत, sorry मैं क्वेश्चन भूल गई। एक मिनट रुको। भरत के बाद में प्रतीक ने लिखा है perfect मैम। Should I go for FM? हाँ भारत बिल्कुल चलता है। FM के लिए आई इसलिए recommend because ये क्या होता है कि बिल्कुल नया पेपर है, आपकी कुछ प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप इसको पहला पेपर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट लिंक्ड विद एनी प्रीवियस नॉलेज, यू कैन गिव इट। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, समरजीत इज आस्किंग वीकली टेस्ट कमिंग वीक? नो सर, वीकली टेस्ट तब आएंगे जब आपके एटलीस्ट 3-4 चैप्टर्स का कलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली जब नेक्स्ट वीक से आप लोग बैच में सेटल हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले वीक से चालू हो जाएंगे आपके रूटीन क्लास टेस्ट। मतलब अभी थोड़ा सा लेट दिस बी अ स्मॉल सेटलिंग पीरियड। अभी तो दो क्लासेस में हम और आप सिर्फ मिले हैं, आपको समझ में आया है कि होना क्या है, कैसे होना है, हाउ डू आई टीच, इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट। नेक्स्ट वाले वीक में आप थोड़ा सा सेटल डाउन होंगे, और उसके नेक्स्ट वीक से फाइनली आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस देने लायक चैप्टर्स हो। आई मीन चैप्टर नंबर 2 और 3 में से क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर्स करने होंगे। यानी आप मान सकते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला जो क्लास हो जाएगी तब से वीकली टेस्ट चालू हो जाएंगे, बिकॉज यू विल हैव सम कंटेंट टू स्टडी देन। ओके मैम, सानिया 11 o'clock इसलिए नहीं कर रही, 3 घंटे की क्लास एफएम की होगी, एफएम का सिलेबस लंबा है। 11 o'clock मतलब आप लोग दोपहर तक पहुंच जाओगे, एंड दोपहर इज वेरी टफ फॉर एफएम, तुम सो जाओगे पोस्ट ब्रेक। ओके मैम, सानिया एक दिन नहीं, 10 बजे एक दिन पहले टाइम पे सोना, ज्यादा पार्टी मत करना, डिस्क से जल्दी आ जाना। नहीं मैम, मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद इट फील्स लाइक कि 2 दिन मतलब 1 दिन चैन से सो जाए और ले लूं। ये तो है, 10:30 कर दूं ना तुम्हारी ना मेरी? चलो 10:30 ठीक है, चलो 10:30। ओके गिरीश, यस यूट्यूब पे आएगी, क्योंकि अभी आप सब एनरोल नहीं है, तो आप लोगों को वापस से अगर ये रिकॉर्डिंग रेफर करनी है तो कैसे करोगे, इसलिए यूट्यूब पे हम डाल देते हैं। ठीक है, विद एफएम विच पेपर शुड आई टेक? अनिकेत आर यू वर्किंग? अनिकेत नो। अच्छा तो एफएम के साथ अनिकेत आई विल से, अच्छा आपके पेपर्स कौन से हो गए हैं स्किल लेवल में? मैम मैं अभी सितंबर में ना दूंगा एफआर, और दिसंबर में एफएम, और सूत्र और कौन सा दूं? आप सितंबर में एफआर दोगे तो फिर आप एफएम के बैच में क्यों बैठे हो? मैम मैंने सोचा कि FM और ना इसके साथ एक और प्रिपरेशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ना सितंबर को बुकिंग कर दिया है FR की, और अब फुल हो गए सब सेंटर, तो ये सब प्रॉब्लम है।
अनिकेत फिर आपको जब एफआर देना है सितंबर में फिर आप अभी दो पेपर मत लो। नहीं मैम लेकिन मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है एफआर की पूरी। एफआर तैयार हो गया तो फिर आप ऑडिट ले सकते हो, ऑडिट के अलावा तो कोई पेपर नहीं बचता। पीएम मैं आपको अभी नहीं बोलूंगी, जब पहले पेपर का स्वाद नहीं चखा है तो पीएम उससे पहले नहीं। यू कैन ओनली टेक ऑडिट। प्रतीक भी कह रहा है ऑडिट। यस मैम। ठीक है अनिकेत। गिरीश फॉर दिस प्रॉब्लम यू नीड टू गेट इन टच विद राहुल, ही विल गाइड यू। ठीक है ओके। बीच में मैंने किस आशीष प्लीज कॉन्टेक्ट राहुल, और किसका मैंने मिस कर दिया मैसेज। रितिका बहुत जोर आएगा। हाँ ठीक है, अगर पीएम प्रिपेयर्ड है दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगर पीएम प्रिपेयर्ड है, पीएम और एफएम यू कैन कंबाइन। प्रतीक यस 10:30 टू 1:30 फाइनल टाइम है, 10:30 टू 1:30 इज द फाइनल टाइम फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे। शांतनु आप कुछ पूछ रहे थे। यस मैम। हाँ जी मैम, मैंने मार्च में दिया था एफआर का एग्जाम और उसके बाद उसके बाद मैंने एनरोल किया था वीजीएलटी से, दो पेपर्स का वो देते हैं। हाँ? तो मैंने ऑडिट लिया था बट मैंने जून का वो स्किप कर दिया, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था। ओके तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा बोलते हैं कि ऑडिट एफआर के बाद देना चाहिए, आईवाईआरएस यूज होता है उसके अंदर। बिल्कुल तो, थोड़े बहुत मैं उसके बाद में दूंगा तो वो इफेक्ट तो नहीं होगा मेरा एग्जाम। नहीं सो शांतनु इसका देखो बाद मतलब इमीडिएट बाद नहीं है, बाद मतलब एफआर होने के बाद ही आपको देना है। वो आप चाहे एक क्वार्टर बाद दे दो चाहे दो क्वार्टर बाद दे दो, ज्यादा लंबा टाइम नहीं, बट ऑडिट पहले नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं तो 3-4 बच्चों से ऐसों से भी मिली हूँ जो पहले ऑडिट दे के ऑडिट क्लियर भी कर गए। देयर इज नो रूल ऑन एनीथिंग। अब तो मैंने भी ये रूल्स बना के बोलना बंद कर दिया क्योंकि अब ऐसे ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जनरली हम इसलिए बोलते हैं एफआर पहले आप पढ़ चुके होते हो ना तो ऑडिट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जब मैंने शुरू किया मैं वो एग्जेम्पशन मिल रही थी तो मैंने ले ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाँ सानिया बोल रही है आई गेव ऑडिट फर्स्ट। हाँ सानिया, एक शायद सिमरनप्रीत भी है, उसने भी पहले ऑडिट देके क्लियर कर लिया। हाँ मतलब आई गॉट 67 तो आई वाज लाइक बहुत है पहले पेपर के हिसाब से भाई साहब, पर मुझे अच्छा लगा था, ऑडिट वाज अ गुड पेपर। नहीं वो कोई किसी के लिए कोई ग्राउंड रूल वर्क नहीं करता यार, इसलिए अब मैंने भी उसको रूल्स की तरह बताना बंद कर दिया है। वी जस्ट रेकमेंड कि ऐसा हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी आप पास हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं होगे। यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ संजय। हाय मैम, मैंने क्वेश्चन आपसे कल भी पूछा था ऑडिट और एफएम के साथ। मैम एक्चुअली आई गेव ऑडिट इन मार्च बट कुछ टेक्निकल इशू हो गया, फिर सेकंड वीक मैंने फिर से टेक्निकल इशू हो गया, तो ऑडिट मेरा पड़ा हुआ है। ऑडिट में उस टाइम दो बार पढ़ लिया था, फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए, सेकंड वीक एग्जाम के लिए भी। ठीक है अभी मैं ऑडिट दे दूं एफएम के साथ। बिल्कुल दो, बिल्कुल दो, सोचने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल ऑडिट पे दो क्वार्टर्स ऑलरेडी वेस्ट हो गए, अब और नहीं। मैम बस मार्च में ही मेरा क्वार्टर वेस्ट हुआ था ऑडिट लिए। कोई बात नहीं, अभी दे दो, परफेक्ट। रेहान एब्सोल्युटली जी, यस यस यू कैन लीव। हो गए सबके क्वेश्चंस? एनीथिंग आई डिडंट आंसर? मैम आई आस्क्ड दिस यस्टरडे आल्सो दैट शुड आई टेक एफआर एंड एफएम। अभी मेरा लाइक आई एम नॉन वर्किंग एंड सेमेस्टर ब्रेक हो रखा है कॉलेज का, तो आई हैव कंप्लीट वन मंथ, तो कैन आई टेक बोथ बिकॉज़ आई वांट टू गिव टू एग्जाम्स इन सितंबर। समझित ले सकते हो लेकिन दिन के 2 घंटे हर पेपर को देना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू गिव दैट देन टेक। ओके श्योर मैम। दिन के 2 घंटे एवरी पेपर, दैट मींस 4 घंटे की सेल्फ स्टडी है, ये करना तो पड़ेगा मैम। देन यू कैन गो फॉर इट। आई एम सॉरी टू बदर यू अगेन मैम। हां जी बताओ लाइक एफआर सॉरी ऑडिट और एफएम में किस रेशियो में पढ़ाई करनी होगी? सो ऑडिट संजय इज वेरी इजी, 12-13 चैप्टर ही है पढ़ने के। सो ऑडिट आप डेली 1 घंटे से भी काम चला सकते हैं, वरना 1 महीना See, I'll tell you, इसको आवर्स में देख लो आप कैसे मैनेज करोगे। ऑडिट में आपको सेल्फ स्टडी 100 आवर्स से ज्यादा की नहीं चाहिए, एफएम में चाहिएगी 120 आवर्स के आसपास की। सो यू कैन बैलेंस आउट दैट वेज कि आपके पास इस पूरे क्वार्टर में, पर संजय आपका तो ऑडिट कंप्लीट हुआ है ना? हाँ ऑडिट में कंप्लीट हो गया, बट तो आपको 100 आवर्स चाहिए नहीं, सो यू जस्ट नीड 60 आवर्स फॉर ऑडिट। और एफएम के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगी 120 आवर्स लगेंगे सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में हो सकता है आपको 70-80 आवर्स ही लगे, लेकिन 120 में मैं अपनी क्लासेस भी इंक्लूड कर रही हूँ. ओके ओके, सेल्फ स्टडी 70 आवर्स की तो चाहिए. ओके मैम, थैंक यू. बट मैम मिर्जापुर गुड टू बी आई चलाएंगे. चलो लेट्स सी दैट. शांतनु, योर कंसर्न आंसर्ड? यस मैम. ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस, एनीथिंग आई नीड टू आंसर? मैम आफ्टर लेक्चर हाउ टू स्टडी लाइक इन वीकडेज, हाउ टू स्टडी इन द कमिंग मंडे टू फ्राइडे. ओके, सो अभी मनन इफ यू विल रजिस्टर इमीडिएटली तो आपको एलएमएस पे ऐड किया जाएगा. LMS पे जो चैप्टर्स रिकॉर्डेड है वो तो आप पढ़ना चालू कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता. बाकी तो आपको वीकेंड्स तक वेट करना पड़ेगा. हमको डेडलाइन भी है कब तक करना है रजिस्टर? नहीं, डेडलाइन कुछ नहीं है. आप जल्दी रजिस्टर कर लोगे, जो प्री रिकॉर्डेड चैप्टर्स है वो पहले मिल जाएंगे. आप लेट रजिस्टर करोगे फ्राइडे तक तो वैसे ही कर लेना है, क्योंकि सैटरडे क्लास ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. मैम मीटिंग इनवाइट कब आ जाएगा सैटरडे का? फ्राइडे नाइट को आएगा 8 o'clock तक, ताकि फ्राइडे तक जितने भी लोग 8 बजे तक रजिस्टर कर जाएंगे 8 बजे बाद जितने लोग आएंगे इस बार उनको इनवाइट नहीं भेजा जाएगा. लास्ट टाइम हम बड़े परेशान हुए थे बिकॉज राहुल ही वर्क्स फॉर मी, और लिटरली वो बेचारा रात को 12 बजे तक भी लोगों को इन्वाइट भेज रहा था, वो सो नहीं पाया था उस दिन. सो वी हैव टू समवेयर कट इट डाउन, रात के 8 बजे फ्राइडे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ, फिर उनको संडे क्लास मिलेगी, सैटरडे वाली वो अटेंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, FRFM. हाँ जी बिल्कुल, दिसंबर तो 6 महीने पड़े हैं, बिल्कुल गो फॉर इट. FRFM टुगेदर फॉर दिसंबर वर्क्स एब्सोल्युटली गुड. ठीक है मैम, जो मैक्सिमम मार्क्स का जो लिमिट है अगर वो क्रॉस हो जाए बट स्टिल समवन वांट्स टू सी अ लेक्चर, हम उसके लिए कैसा? संजय आई विल से कि 2.5 टाइम्स की हमने एक्सेस दे रखी है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं मैम. आई एम सेइंग इन केस That case can be when you don't clear. Yeah. बस उसके अलावा तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता. We are there to help out. But उसमें भी आप अगर बोलो कि I haven't cleared और मुझे वापस से 2.5 times दे दो, then तो समझ रहे हो ना? तो ना I'm saying ma'am कई बार possible हो नहीं हो पाता life class join करना. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं. संजय मैंने rules सिर्फ इतने बनाए हैं जहाँ पे मुझे बनाने पड़े. Because okay. we are ACC approved partners. Yeah, yeah, yeah. और दूसरा अपने लिए भी administrative ease के लिए, क्योंकि अब हमें भी याद नहीं रहता किस बच्चे ने कब access ली थी, किस time की ली थी और वो कौन सी classes में था. Yeah, वो yeah. इसलिए भी ये चीज ताकि administratively हम mismanage ना कर दें चीजों को, because मेरा staff बहुत ज्यादा अभी मैंने नहीं रखा हुआ है, वरना मैं उन्हीं को संभालने में रह जाऊंगी. स्टूडेंट्स के लिए क्या करूंगी मैं, उनको ही संभालती रह जाऊंगी स्टाफ को ही. बिल्कुल साहब, आपको ढूंढना है. अरे हर क्वार्टर भाई एक मैं वेबिनार लेती हूँ इसी चीज के ऊपर. अब तो मैंने उस चीज पे सेल करना भी बंद कर दिया है, बिकॉज बाय हैबिट आई टेक इट. एवरीबडी नोज इट कि क्वार्टर में एक मेरी तरफ से एक वेबिनार होगा जो आपके करियर रिलेटेड होगा. सो जितनी बार बैचेस चले हैं वो वेबिनार हुआ है, और वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए होता है, वहां पे बाहर वालों को मैं नहीं एक बार बुलाती हूँ. रीजन बीइंग बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट हो सकता है बट आई डोंट डू इट, क्योंकि वो आप लोगों को मैं जानती हूँ. सो आई कैन जस्ट पिन पॉइंट कि आप लोगों को यहाँ काम करने की जरूरत है, बाहर वालों को मैं जानती नहीं हूँ. पहले मैं अपनों की जिम्मेदारी ले लूँ, बाहर वालों की फिर बाद में ले लेंगे. ठीक है, गॉट दिस. सॉरी गाइज मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ, जो है सो है. यू मे फील वेरी कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है, पर ये डायरेक्ट ही है यार. अब जो है सो है. वी हैव टू डू अनिकेत. यस सर, रजिस्ट्रेशन मीन्स पेमेंट ऑफ फीस डियर. ओके, अदरवाइज हाउ विल वी नो दैट फाइनली समबडी इज गोइंग टू ज्वाइन और नॉट? पता पड़ेगा कि रजिस्टर हो गए, क्लासेस में बैठ गए एंड नाउ फाइनली समबडी इज नॉट ज्वाइनिंग. तो सो इट्स 13,500 इज द फीस फॉर लाइव बैच. आप ब्लेंडेड में जाते हैं तो 11,000 उसकी फीस होती है, जिसमें आपके पास 2 quarters की एक्सेस मिलती है और सारी ब्ला 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 राहुल को बोलो पूरा ब्रोशर भेज देगा. ठीक है,
गॉट इट मैं तो बाकी सारे एग्जाम्स मेरे जो बच्चे हैं वो आपसे ही लूंगा आपका नाम रोशन करूंगा ये मेरे ब्रोशर्स में देखोगे ना ये सब बहुत डाइसी है रितिका वेबसाइट से पे नहीं करवा रही हूँ मैं वो तुमसे और एडिशनल 2% चार्ज कर लेंगे वरना मेरा खा जाएंगे बीच में इसलिए नो वेबसाइट कॉन्टेक्ट राहुल फॉर दिस मेरे ब्रोशर्स में रिपीट स्टूडेंट्स इतने होते हैं शांतनु समटाइम्स सम स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि ये मैडम ना फ्रॉड है इनके हर ब्रोशर में एक ही शक्ल दिखती है बट दे डोंट नो एंड इवन हाउ डू आई प्रूव दिस चेतना सारे पेपर्स मुझसे पढ़ी है साक्षी अग्रवाल सारे पेपर्स मुझसे पढ़ी है सान्या सारे पेपर्स मुझसे पढ़ी है अब यहाँ पे भी होंगे दो तीन ये जिज्ञासा का दूसरा तीसरा पेपर है मेरे साथ जिज्ञासा तुम वही जिज्ञासा हो या कोई और जिज्ञासा हो यस मैम सेकंड पेपर सेकंड पेपर है इसका भी सान्या अरोड़ा कौन से वाली सान्या अरोड़ा है इस सान्या में चार है हमारे पास पीएम वाली ये रिपीट वाले बच्चे इतने ज्यादा है पता है तुम लोगों की वजह से मुझे लग रहा है कि कई लोग सोचते होंगे दैट निधि भास्कर इज अ फ्रॉड एक ही शक्ल को अलग अलग पेपर में करके डालती रहती है पर मेरे पास प्रूफ है हाँ एसीसी से रिजल्ट आता है तुम्हारा आपके आपके काफी सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जब मैं एग्जाम देने गया था उन्होंने मुझे बताया फिर बहुत स्टूडेंट्स बना लिए मैंने सो इट्स टाइप एक बाबा टाइप इफेक्ट करने वाली हूँ मैं अच्छा कोई बात नहीं अब तुम तो मेरे कीर्ति मत स्थापित करो अपने अपने प्रॉब्लम्स पे आओ एनीथिंग आई नीड टू क्लियर नहीं बस मैम नेक्स्ट क्लास में क्या नेक्स्ट क्लास में वीडियो ऑन करते हैं हाँ संजय नहीं वैसे सैटरडे नहीं संडे करवाऊंगी सैटरडे कितने लोग आएंगे तो उनको पहले इन्फॉर्म कर दूं आपको करना क्या है आप लोगों का इंट्रोडक्शन सेशन संडे रखेंगे फिर तैयार होके बढ़िया से बैठना मुझे भी देखना है आप लोगों को आई मीन अब मुझे भी डर लगता है कि किसी भी दिन मेरे को इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मेरे सारे स्टूडेंट्स जब आएंगे मुझे आधे से ज्यादा पता नहीं होंगे ये कौन है वो कौन है इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग मुझे भी देखना है ठीक है चलो मिलेंगे संडे को लेकिन सैटरडे पढ़ने के लिए तो मिलना ही है सो सेम टाइम सेम चैनल आई होप ऑल योर क्वेरीज आर डन यस मैम चलिए ओके गाइस टेक केयर बाय बाय सी यू ऑल नेक्स्ट वीक बाय थैंक यू सो मच मैम बाय थैंक यू Yes.